सो आई होप सब लोगों को पता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की फर्स्ट प्री क्वालिफायर स्टार्ट हो चुकी है, कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट की, इंडिया की कौन कौन सी टीम उसमें खेली, कौन कौन सी टीम किस किस टीम से फाइट की, कौन कौन बाहर निकला, ये सब बियॉन्ड द स्क्रीन रहने से अच्छा कि हमने सोचा क्यों ना बाहर लेके आए एंड इंडिया में से एक टीम की हम वॉर भी देखेंगे वर्ल्ड क्वालिफायर्स के। आज की वीडियो पूरी एंड तक देखना। सो हियर वी गो एंड हम आ चुके हैं इंडियन ट्राइब, इंडियन क्लासेस की एक सब क्लान है फोर्स ऑफ इंडिया नाम की, मतलब उनका नाम स्पोर्ट्स नेम है इंडियन ट्राइब, आई होप आप सब लोगों को पता है। सो बेसिकली इनकी क्लान में हम आ चुके हैं। इनका फर्स्ट डे जो था वर्ल्ड क्वालिफायर्स का वाज अमेजिंग, ऑल दो मैं सब कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली टूर्नामेंट हब, ये टैब मैंने भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, सो मेरे को भी इतना ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन वहाँ पे लिख के आ रहा है कि मे प्रे क्वालिफायर्स डे टू जो है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे लिख के आ रही है कि कब स्टार्ट होने वाला है, लेकिन डे वन में क्या हुआ ये सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बेसिकली जैसे ही हम माई टीम टैब में जाएंगे तो यहाँ पे डिटेल्स हमको डे वन की दिखा देगा। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्रीवियस मैचेस जो हुई है, मतलब इस टीम की इंडियन ट्राइब की जो मैचेस हुई है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फोर्स ऑफ इंडिया वर्सेस पहली मैच हुई, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, जो लास्ट वाली मैच हुई 10-15 जिस टीम को इन्होंने हराया, फिलीपींस की काफ़ी अच्छी टीम थी। सो बेसिकली वर्ल्ड क्वालिफायर्स वन में इनकी टोटल 5 में से 5 विक्ट्री, ऑब्वियसली नॉकआउट है तो जो भी हारेगा वो सीधा बाहर ही जाने वाला है। सो यहाँ पे ब्रैकेट्स पे अगर नज़र डालेंगे तो भाई इस बार कुछ इन्होंने ग्रुप फेजिंग बनाई है, सो सारी टीमों पे हम नज़र भी नहीं डाल पा रहे इवन। सो बेसिकली ग्रुप वन में हम देख पा रहे हैं WHF वगैरह, ये काफ़ी जानी मानी टीम्स है जो इसमें पार्टिसिपेट की है, कुछ चाइनीज टीम्स है, पोटैटो सलाद वगैरह, ये सब इतनी सारी टीम्स है, Patriots.India हम इस टीम को जानते हैं। सो बेसिकली इतनी सारी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट की है। ये जो ब्रैकेट्स देख रहे हो आप स्क्रीन पे ये सिर्फ ग्रुप वन के हैं, ऐसे लगभग 64 ग्रुप्स है जो हमको देखने पड़ेंगे कौन सी टीम जीती कौन सी टीम हारी ये देखने के लिए। बट एक हाइलाइट्स मैं आपको दे सकता हूँ कि भाई इंडिया की जितनी सारी पार्टिसिपेट की थी टीमें ऑलमोस्ट डे टू के लिए सर्वाइव की है, कुछ टीमें हारी भी है नो डाउट, लेकिन जो जो टीमों के बारे में आप इंडिया में से जानना चाहते हो वो सारी टीमें डे टू तक पहुंच चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भारत, इंडियन क्लासेस की सारी लाइनअप्स, ऐसी बहुत सारी जो मतलब लाइक सबका तो मैप करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन जितनी सारी टीम्स उसमें पार्टिसिपेट की थी सब टीमें लगभग सेकंड मतलब डे टू के लिए वहां पे पहुंच चुकी है। कुछ टीमें हारी भी है लेकिन रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट प्री क्वालिफायर्स नंबर वन। ऐसे और 5 मौके आने वाले हैं और भी एट द एंड आपको 2 टीमों के लिए अलग सीन होने वाला है। सो बिल्कुल नाराज होने की बात नहीं भाई जो हारे हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी फोर्स ऑफ इंडिया टीम परफेक्ट की है। सो बेसिकली बैकग्राउंड में आप अटैक्स देख पा रहे होंगे डे वन के फोर्स ऑफ इंडिया के, लेकिन हम डिस्कस एक्चुअली करने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के सीनारियों के बारे में। जो भी लोग कमेंट नीचे करने वाले हैं कि भाई स्ट्रीम करो, सो बेसिकली स्ट्रीमिंग इज नॉट पॉसिबल क्योंकि स्ट्रीमिंग इंडिया में सिर्फ Tier 3 क्रिएटर्स के लिए अवेलेबल है। आप तो मेरे को सब्सक्राइब करके आगे पहुंचा ही नहीं रहे हो तो मैं स्ट्रीम कैसे कर पाऊंगा। सो बेसिकली सब लोग सब्सक्राइब करो भाई एक साथ, ताकि जल्दी हम Tier 3 तो भाई बहुत दूर है लेकिन Tier 2 ही पहुंचा दो। तो सब लोग सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, सब लोग सब्सक्राइब करो ताकि हम जल्दी जल्दी स्ट्रीमिंग क्राइटेरिया तक पहुँच पाए। बट फॉर नाउ हम देख पा रहे हैं डे वन के क्वालिफायर्स का एक मैच, फिलीपींस इवोल्यूशन वर्सेज फोर्स ऑफ इंडिया, काफ़ी कैड़ा मैच था एंड वर्ल्ड क्वालिफायर्स का एक मैच है ये। बहुत अच्छे अच्छे अटैक्स आपको देखने को मिलेंगे एंड लाइक फ्रेश अटैक्स जिसमें आप मतलब ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड क्वालिफायर्स खेल रहे हैं तो बेसिस भी मतलब इतने इजी नहीं है, भले ही मतलब लाइक डिजाइन अगर आपको उसके उतने यूजुअल दिख रहे हैं लेकिन बेट्स ट्रैप्स सब कुछ बना के रखते हैं लोग, प्रिपेयर करके रखते हैं एंड उसके अगेंस्ट में फोर्स ऑफ इंडिया परफेक्ट ओवर के साथ जीती है। सो ये एक अमेजिंग चीज़ है एंड लाइक अपकमिंग प्री क्वालिफायर्स की जो मैचेस होने वाली है उसके लिए एक ये गुड न्यूज़ है कि सब जो बंदे हैं इस टीम के फॉर्म में चल रहे हैं। सो फॉर्म चलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब इंपॉर्टेंट है बस। सो बेसिकली ये वॉर की तरह, तो बेसिकली वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया कि कितनी सारी इंडियन टीम्स पार्टिसिपेट की है, किसकी किससे फाइट हुई है इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल कि मैं सब लोगों के आपको रिव्यू दूं, बट डे टू में जो लोग टीम सर्वाइव करने वाली है बिकॉज अभी डे टू लगभग स्टार्ट हो गया होगा। सो बेसिकली आप जब वीडियो देख रहे हो तो डे टू की जो वर्ल्ड क्वालिफायर्स है वो स्टार्ट हो चुकी है, बट एक्चुअली हम स्ट्रीम नहीं कर सकते तो क्या हुआ, लेकिन कल
हम वो चीज़ पक्का दिखाएंगे जो एग्जैक्टली आपको चाहिए कि भाई कौन सी टीम क्या पार्टिसिपेट की, क्या खेली एंड कहाँ तक पहुंची, वो आपको कल देखने को मिलेगा फॉर श्योर। बट आज की वीडियो में हम देख लेते हैं डे वन का जो वॉर रहा फॉर इंडियन ट्राइब वॉज अमेजिंग। ऑल दो जो स्ट्रैटेजीज मतलब लाइक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज के साथ ये नहीं गए, एकदम फॉर श्योर एंड कॉन्फिडेंट स्ट्रैटेजीज जिसमें ये फील कर रहे थे उस स्ट्रैटेजीज के साथ ये गए। काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिला, लाइक वी कैन सी कि बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब 3-स्टार अटैक एंड क्लोज भी जरूर गए एंड बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई। सो बेसिकली अपकमिंग अटैक्स में हम देख पा रहे होंगे नेक्स्ट अटैक जो है वो सौभाग्य भाई का हुआ, दिस वॉज क्रेजी अटैक। मतलब लाइक इस अटैक से आप सीख सकते हो कि भाई ये कुछ नहीं है कि मतलब आप बेस के डिजाइन के हिसाब से ही आप अपने जो ट्रूप्स है उसकी पाथिंग सेट करो। सौभाग्य भाई का अटैक देख पा रहे हम। सो बेसिकली इन्होंने ब्लिजार्ड ड्रैगन अटैक किया, ब्लिम जहाँ पे ब्लिजार्ड की, इट वॉज क्रेजी। मतलब थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है था ये, लेकिन इन्होंने दो फ्री स्पेल पहले इन्वेस्ट कर दिए, मतलब जहाँ पे ब्लिजार्ड करना चाहते थे एग्जैक्टली वहीं पे ब्लिजार्ड किया इन्होंने एंड टाउन हॉल वहाँ पे मिला, एक स्कैटर शॉट एंड एनिमी के हीरोज। ड्रैगन्स की पाथिंग आप देखना, जिस चीज़ को मैं पहले भी मेंशन कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि बेस के हिसाब से ही आप पाथिंग रखो, मतलब यहाँ से वहाँ आप देखना वर्टिकली, सीधा वर्टिकली पाथिंग, मतलब 12 o'clock पे ड्रैगन उतार के सीधा 6 o'clock की तरफ ले जाना भाई, बहुत ये बहुत अच्छी पाथिंग थी। मतलब इनके ड्रैगन्स की काफ़ी ऑकवर्ड भी पाथिंग थी एक्चुअली, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन इन्होंने किया, इट वॉज अमेजिंग अटैक। ऑल दो ब्लिजार्ड के साथ इन्होंने टाउन हॉल ऑलरेडी निकाल लिया था, सो अटैक सेफ साइड में था एंड इसके साथ में ड्रैगन्स सीधा 12 o'clock से निकल के पूरा 6 o'clock की तरफ आ गए, इट वॉज अमेजिंग। सुई हीरोज के साथ इन्होंने एक जो कंपार्टमेंट प्रॉब्लमेटिक था उसको निकाल लिया, जिसके चलते ड्रैगन्स बिल्कुल भटके नहीं, जो पाथिंग इन्होंने सोची थी उसी पाथिंग के साथ ड्रैगन्स ऑल ओवर द बेस गए एंड बहुत अच्छा अटैक। मतलब मैं तो बोलूँगा भाई इट वॉज लिटरली अनप्रेडिक्टेबल कि इस बेस पे कोई सीधा ऐसे वर्टिकल पाथिंग से ड्रैगन्स डिप्लॉय करेगा, इट वॉज रियली ऑसम पाथिंग एंड प्लान भी बहुत अच्छा था। थोड़ा रिस्की ज़रूर था कि वो ब्लिम्प ऐसे एरिया में उन्होंने उतारी थी कि वहाँ पे ब्लिम्प कहाँ भी फंस सकती थी, बीच में अगर टोर्नाडो ट्रैप निकल जाता या फिर कुछ भी हो सकता था, बट इट वॉज हिज स्टडी, इट वॉज हिज प्लान, काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल भी हुआ। नेक्स्ट अटैक टीम लीडर क्रिश भाई का हम देखने वाले हैं, ये अटैक बहुत ज़्यादा क्रेजी क्लोज हुआ था। सो बेसिकली इस अटैक में आप देखोगे कि ब्लिम्प फेल होने के बाद भी आप कैसे 3-स्टार कर सकते हो। बेसिकली जो ड्रैगन इन्फर्नो स्केलीज या फिर इलेक्ट्रो ड्रैगन भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग अटैक करते हैं, अगर आपकी ब्लिम्प आप टाउन हॉल पे भेजने वाले हो एंड वहाँ पे ब्लिम्प जाके फूटने वाली है उस, और वो प्लान मतलब ब्लिम्प टाउन हॉल पे तो गई फटी भी वहाँ पे, लेकिन टाउन हॉल डाउन ही नहीं हुआ, ऐसे सिचुएशन से कैसे डील करें। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लिम्प टाउन हॉल पे गई इनकी, वहाँ पे फटी, वहाँ पे बहुत सारे जायंट्स बॉम्ब थे जिसकी वजह से स्नीकी गॉब्लिन गायब हो गए एंड यटीज बार्बियन एंड किंग होने की वजह से टाउन हॉल को डाउन नहीं कर पाए। सो बेसिकली इन्फर्नो बेबी ड्रैगन से यहाँ पे नो डाउट टेकआउट हो चुके, मतलब डिप्लॉय हो चुके हैं, इनके हीरोज भी इन्होंने डिप्लॉय कर दिए, बट रॉयल चैंपियन इन्होंने अपनी बचा के रखी थी। सो बेसिकली रॉयल चैंपियन इन्होंने डिप्लॉय की, पीछे से एक दो हेड हंटर एनिमी के बार्बेरियन के ऊपर स्केलेटन स्पेल सारे, मतलब इन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि टाउन हॉल को टेकआउट करें एंड इन्फर्नो बेबी ड्रैगन अटैक स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आपका कहीं पे मेसअप भी हो जाए तो आप 3-स्टार जरूर कन्वर्ट कर सकते हो एंड रॉयल चैंपियन के साथ इन्होंने टाउन हॉल टेकआउट किया, थोड़े से डिफेंसेस ऑब्वियसली रॉयल चैंपियन शील्ड के साथ एंड देन इनकी क्वीन के पीछे इनका यूनिकॉर्न था मैक्स लेवल का, आई एम नॉट श्योर मैक्स है कि नहीं है क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा है। सो एट द एंड जो क्वीन के पीछे यूनिकॉर्न था उसकी वजह से क्वीन सर्वाइव की एंड मस्त मतलब लाइक सक्सेसफुल अटैक रहा ये बिकॉज जस्ट ऑफ यूनिकॉर्न। सो पेट्स कितना ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं बिकॉज ये फर्स्ट वर्ल्ड क्वालिफायर्स ऐसे हो रही है जिसमें पेट्स यूज हो रहे हैं। सो काफ़ी अच्छे वेरिएशंस भी हमको देखने को मिलेंगे, लाइक कौन सा हीरो जो है कौन से पेट के साथ यूज़ किया जा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे यूनिकॉर्न यूज़ करने का क्वीन के पीछे एक मस्त डिसीजन था। नेक्स्ट अटैक हमने देखा वेदांत भाई का, जो इस टीम में रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब रिसेंट ऑब्वियसली आपने जो डार्क टेंजेंट नाम से ये खेलते थे तब की वॉर अगर आपने देखी होगी तो फिफ्थ प्लेयर खेलते थे प्रोफेसर भाई, लेकिन वो स्टडीज़ की वजह से उनको रिप्लेस कर रहे हैं वेदांत भाई, काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं टीम में। मतलब लाइक इनका भी अटैक इतना डिसेंट रहा एंड ये स्ट्रैटेजी गाइस इतनी फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी है चाइनीज़ आर्मी जिसको हम बोलते हैं पेक्का सुपर विज़र्ड, लिटरली इस आर्मी से हर बेस 3-स्टार किया जा सकता है। सो बेसिकली वेदांत भाई ने कैसे 3-स्टार किया हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्वीन इन्होंने टाउन हॉल कंपार्टमेंट में वहाँ पे डिप्लॉय कर दी, दो एक्सपोज एनिमी का सीसी तो फिलहाल वहाँ पे नहीं था लेकिन एनिमी के हीरोज वहाँ पे थे। सो बेसिकली क्वीन एनिमी का बार्बेरियन किंग एनिमी के रॉयल चैंपियन तीनों चीज़ें वहाँ पे टेकआउट हो चुकी थी। सो जो मेन किल स्क्वाड था उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन आया नहीं एंड इन्होंने
फ्लेक्सिबल तरीके से बहुत अच्छे से हीरोज वगैरह मतलब लाइक इनका जो किल स्क्वाड था थ्रू आउट द बेस गया। ईगल आर्टिलरी इनको मिड ऑफ द बेस मिल गई, स्कैटर शॉट सेकंड थोड़ा सा ऊपर था सो वो मिलने में थोड़ा जरूर इनको लेट हुआ, लेकिन एट द एंड इनका भी आप सिनारियो देख पा रहे होंगे, इनविजिबिलिटी स्पेल कहीं थोड़ा थोड़ा मिस आउट हुआ, उसके बाद में रॉयल चैंपियन भी मतलब लाइक कंप्लीटली। सो एट द एंड हम देख पा रहे हैं कि जो मतलब लाइक कंप्लीट इनका किल स्क्वाड है वो पूरा मरा नहीं है अभी, मतलब जो नॉर्मल सुपर वीचेस हम आउटसाइड द बेस भेजते हैं क्लियरेंस के लिए वो सुपर नॉर्मल वीचेस ओके नॉट सुपर वीचेस नॉर्मल वीचेस जो भेजते हैं वो अभी सर्वाइव कर रही है। वार्डन है, क्वीन है, बारबेरियन किंग है, हीरोज है इस आर्मी में, वही मतलब लाइक स्पेशलिटी है कि ये जो आर्मी इसमें किल स्क्वाड मर जाता है एंड उसके बाद में आपका जो मतलब लाइक सीन है जो किल स्क्वाड है वो मर जाता है, हीरोज वगैरह सर्वाइव रहते हैं अगर क्वीन। सो फॉर नाउ अब तक जो इनके वॉर्स हुए प्रेटी मच डिसेंट एंड स्कोर्स भी आप देख पा रहे होंगे 15-13, 11-13, 14 इज एक्चुअली स्कोर विच इज नीडेड इन क्वालिफायर। सो इंटरनेशनल लेवल पे जब आप खेल रहे हो तो 13-14-15 यही स्कोर आपका होना चाहिए। आई होप कि ये स्कोर वो मेंटेन करे। सो बेसिकली अगर टूर्नामेंट हब की तरफ अगर हम नजर डालेंगे वंस अगेन इंडिया में से बहुत सारी है भाई, तो अगर आप मैप करना चाहते हो कि आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हो वो अभी अलाइव है कि नहीं है टूर्नामेंट में, उसके लिए आपको डे टू के बाद देखना पड़ेगा, मतलब आज जो मैचेस होंगी उसके बाद में जो शॉर्ट लिस्ट होंगी टीमें उसके बाद में आपको पता चलेगा क्योंकि 60। सो ग्रुप नंबर 48 में हम देख पा रहे होंगे फोर्स ऑफ इंडिया, इन लोगों ने सारी मैच मतलब टोटल 5 राउंड हुए, 5 राउंड में जीत जीत के ब्रैकेट्स के एंड में ये पहुंचे एंड वो भी जीता। सो बेसिकली डे टू के लिए ये क्वालिफाई हो गए एंड अभी डे टू होगा उसमें आई गेस 30 राउंड मतलब 32 ग्रुप्स होंगे या फिर ऐसे कुछ नहीं 34 कैसे होंगे। सो इस टाइप के कुछ मैचेस कल हुए एंड आज भी बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं। सो आज की मैचेस की वीडियो आपको कल मिलेगी, सो वीडियो बिल्कुल लाइक करना, सब लोग सब्सक्राइब भी करके रखो एंड भाई इतना सब्सक्राइब करो कि हम लाइव स्ट्रीम कर पाए यार, क्योंकि रिग्रेट नहीं होना चाहिए एट दिस पॉइंट सिर्फ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की वजह से खत्म। लाइक करो, सब लोग सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।